दोस्तों, उगते हुए सूरज की भूमि कहे जाने वाला जापान देश हमेशा से ही सभी चीजों में आगे रहा है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो या फिर टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर किसी और चीज की बात हो। जापान ने हर सभी चीजों में बाजी मार रखी है। जापान में जाने वाले लोग इस देश की टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो फ्यूचर की दुनिया में आ गए हों। दोस्तों, आज मैं आपको जापान के कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी से भरी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो वो पिछले 50 सालों से यूज कर रहे हैं। नंबर 1, मल्टीलेयर पार्किंग सिस्टम। जापान बहुत ही छोटा देश है और वहाँ पर कार पार्किंग की व्यवस्था करना एक बहुत ही बड़ा काम था और परेशानी भी थी, तो इसीलिए जापान के इंजीनियर्स ने एक नए तरीके का पार्किंग सिस्टम बना डाला जिसमें एक जगह पर हजारों कार पार्क किया जा सकता है। इसमें एक दूसरे के नीचे लिफ्ट के जरिए कार पार्क कर दिया जाता है और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि ये चीज वो 1965 से यूज कर रहे हैं। नंबर 2, बुलेट ट्रेन। जापान के बुलेट ट्रेन के बारे में कौन नहीं जानता, जिसके स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये ट्रेन सेफ्टी के साथ साथ आपका टाइम भी बचाता है। जापान के पास 6 टाइप के बुलेट ट्रेन मौजूद हैं। दुनिया में सबसे पहले जापान में ही बुलेट ट्रेन लॉन्च हुआ था और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि ये लोग 50 साल से बुलेट ट्रेन को यूज कर रहे हैं। नंबर 3, रोबोट्स। दोस्तों, रोबोट्स की बात हो तो चीन और जापान का नाम जुबान पर सबसे पहले आता है। जापान में लोगों को रोबोट से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, शायद इसीलिए यहाँ के होटलों में भी रोबोट्स काम करते हुए नजर आते हैं। नंबर 4, कैप्सूल होटल। दोस्तों, जापान शायद इसी वजह से ज़्यादा एडवांस है क्योंकि वहाँ पर कैप्सूल होटल भी पाए जाते हैं। इन कैप्सूल होटल में आपको एसी, टीवी, मोबाइल या लैपटॉप चार्जिंग प्लग ऐसी बहुत सी सुविधा मिल जाएगी। यूँ कहें तो ये आपको एक घर की सारी सुविधा दे सकता है। ये लगभग 4 फीट चौड़ा और 8 फीट लंबा होता है। ये खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो महंगे होटल को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। नंबर 5, सुपर टॉयलेट। आज के समय में जापान के पास सुपर टॉयलेट भी है जो टेक्नोलॉजी से लेस है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। वहाँ के आम घरों में आपको बहुत ही अच्छा टॉयलेट देखने को मिल जाएगा जिनमें हीटेड सीट होती हैं और टैंक के ऊपर सिंक। लेकिन इन सभी से ज़्यादा एडवांस टॉयलेट आपको उनके होटलों में मिल जाएगा जिनमें कई तरह के बटन हैं, जैसे म्यूजिक सिस्टम, ऑटोमेटिक परफ्यूम सिस्टम, हीटेड सीट को अप डाउन करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको उन टॉयलेट में मिल जाएंगी और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लोग करीब 20 सालों से इसे यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सी चीज़ें और हैं जो जापान यूज कर रहा है। दोस्तों, जापान की एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँ, जापान के जो किसान होते हैं वो हाईवे पर एक दुकान खोलते हैं जहाँ वो फल और सब्जियाँ रखते हैं, और जानते हो उन दुकानों पर कोई भी दुकानदार नहीं रहता है। वहाँ जो उस हाईवे से गुजरता है वो जो लेना चाहता है उस दुकान से वो ले सकता है और अपनी पूरी ईमानदारी से वो अपना पेमेंट भी वहीं रख देता है। इससे जापान दो चीज़ों को साबित करना चाहता है, फर्स्ट ईमानदारी और सेकेंड चीज फूड वेस्टिंग नहीं होती है। दोस्तों, ये आइडिया बहुत ही कमाल का है ना, क्या लगता है? दोस्तों, ये आइडिया अगर हमारे देश में हो तो क्या होगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी देश या फिर जापान से जुड़े और कुछ चीज़ों के बारे में जानना है तो कमेंट में वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो और बना दूंगा। तो चलो यार, अब बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और सबसे ज़रूरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी प्रोसेस के जरिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं नॉलेज भरी जानकारियाँ आपको शेयर करता रहता हूँ। तो चलो यार, बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय एंड टेक केयर।